हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका जेबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का यूनिट नंबर 8 है, रिस्क मैनेजमेंट एंड बेसल 2 और 3 पढ़ेंगे अभी हम लोग, उसका एक पार्ट 1 वीडियो है। और अगर आप प्रॉपर कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरा फोन नंबर लिखा हुआ है, फोन करके कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, बैंक क्या है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन है। ठीक है, बैंक ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन है जो कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को। ठीक है, और जैसे कि डिपॉजिट्स देना, मतलब पैसा बैंक में जमा कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं आप। ठीक है, इस बेसिक है। इंश्योरेंस भी बैंक प्रोवाइड करती है थर्ड पार्टी की, आपको म्यूचुअल फंड भी प्रोवाइड करती है, बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें बैंक प्रोवाइड करती है। ठीक है, और उसके साथ बैंक के साथ पर कई तरह के रिस्क भी बैंक के अंदर जुड़ी हुई है। बैंक के साथ कई तरह के रिस्क जो होता है जुड़ा हुआ है, वो रिस्क फाइनेंशियल रिस्क भी हो सकता है, यानी मनी ओरिएंटेड रिस्क है, और नॉन फाइनेंशियल भी रिस्क है, यानी नॉन फाइनेंशियल मतलब मनी नॉन मनी रिलेटेड रिस्क है। ठीक है, एग्जांपल है क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इक्विटी प्राइस रिस्क, कॉमोडिटी प्राइस रिस्क, लीगल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। जो जो रिस्क मैंने बोला ये सबको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, हर एक रिस्क क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो बस ये समझिए कि ये रिस्क है। अब आइए रिस्क मैनेजमेंट फंक्शंस के ऊपर। तो रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन जो होती है क्या क्या चीज कवर करेंगे आपको, तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कवर करती है, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजर अप्रोच होता है, यानी एक पूरा पैकेज होता है कि किसी तरह का कुछ क्राइसिस या रिस्क हो जाए तो हम उसको किस तरीके से कवर अप कर पाएंगे, मेजर ले पाएंगे या क्या स्टेप उठा पाएंगे। फिर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज, जो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज होती है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे बोर्ड बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होता है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोर्ड बोलते हैं, वो अप्रूव करते हैं, जो कि बहुत ही कंसिस्टेंट होता है और एक ब्रॉडर बिजनेस स्ट्रेटजीज के रूप में लिया जाता है, मतलब बहुत कंसिस्टेंट होता है ब्रॉडर बिजनेस स्ट्रेटजीज के रूप में। और कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या होता है, पैसा, मनी, मनी यानी कैपिटल को स्ट्रेंथ मेजरमेंट एक्सपर्टीज आपको प्रोवाइड की जाती है, और ओवरऑल विलिंगनेस होता है कि रिस्क को एज्यूम किया जाए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज जो होती है बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग अप्रूव करेंगे इसको, और बहुत ही कंसिस्टेंट होती है आपका ब्रॉडर बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ, और यहाँ पे एक्सपर्टीज होते हैं जो कि कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रेंथ मैनेजमेंट को देखते हैं। कैपिटल मतलब हो गया मनी, पैसा, और ओवरऑल ये देखते हैं, ओवरऑल विलिंगनेस ये देखते हैं, अपने साइड से ये देखते हैं कि अगर रिस्क हो जाए तो हम क्या क्या कर काम कर सकते हैं। फिर गाइडलाइंस और दूसरे तरह के पैरामीटर्स जो कि यूज किए जाते हैं गवर्न करने के लिए रिस्क टेकिंग में। ठीक है, जो रिस्क टेकिंग के लिए क्या क्या पैरामीटर्स और क्या क्या गाइडलाइंस होते हैं वो यूज की जाती हैं। फिर स्ट्रॉन्ग एमआईएस चाहिए होता है रिपोर्टिंग करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए और रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। फिर वेल लेड प्रोसीजर्स होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया प्रोसीजर्स होना चाहिए, इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए। सबसे बड़ा बात क्या है कि पॉलिसी जो होगी वेल लेड पॉलिसी जो होगी, इफेक्टिव कंट्रोल होगा, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा, सेपरेट रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सेपरेट रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क होगा, पीरियोडिकल रिव्यू होगा किया जाएगा, जो भी पॉलिसीज होता है उसके पीरियोडिकली रिव्यू की जाती है, उसका एवेल्यूएट भी किया जाता है, एवोल्यूशन भी किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा, काफी कुछ सारे चीजों की पॉइंट्स बना लें आप कॉपी में, बहुत हेल्प करेगा आपको प्रिपरेशन करने में। ठीक है, यहाँ पे आप जेबी का प्रॉपर वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं, वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी या न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, 13,500 का क्वेश्चन बैंक होगा, सुपर नोट्स होगा, क्विक रिवीजन नोट होगा और 30 मॉक टेस्ट होगा। यहाँ पे दो तरह के जेबी के कोर्सेज हैं, एक पीपीटी वीडियो कोर्स जिसमें जेबी का प्रिंसिपल्स करें, लीगल करें उसका दाम 600 रुपये, जेबी का अकाउंटिंग करेंगे उसका दाम 800 रुपये, जेबी का कॉम्बो पे करेंगे उसका दाम 1500 रुपये। उसके बाद एक कोर्स है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है और सबसे ज्यादा सेलिंग कोर्स है, जेबी का अगर प्रिंसिपल करते हैं या लीगल करते हैं उसका दाम 1200 रुपये, जेबी का अकाउंटिंग करेंगे उसका दाम 1500 रुपये, जेबी का कॉम्बो पे करेंगे उसका दाम 3000 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibstudymetal.com, ईमेल आईडी हो जाएगा sitsena123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। थैंक यू।